तो जैसे कि आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा था, मैं और शिनचैन प्लेग्राउंड से खेल के घर में पहुंचे ही थे, लेकिन वहां पर हमें हमारे अंकल मैक्स कई दिख नहीं रहे थे। हालांकि हमने उनको पूरे घर में देखा था, लेकिन हमारे ग्रैंडपा मैक्स अंकल हमें कहीं भी नहीं मिले। हाँ, लेकिन वहां पर हमें मिली थी एक चिट्ठी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हमारे ग्रैंडपा मैक्स एक ग्रैनी नाम की औरत है, उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे, और अगर वो शाम तक वापस नहीं आते तो समझ लेना कि उनकी जान को खतरा है। और भाई यहाँ पर उनका वेट करते करते शाम हो चुकी थी और हमें पता लग गया था कि हमारे ग्रैंडपा मैक्स किसी बड़ी मुसीबत में है। और उसके बाद हमने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा, हमने अपने ग्रैंडपा मैक्स की फोन लोकेशन को हैक करा, और उसके बाद जो लोकेशन हमें पता लगी जब हम वहां पर पहुंचे, तो भाई वहां पर हमें बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड हाउस दिखा था, जो दिखने में काफी ज्यादा स्कैरी था। और साथ साथ वहां पर हमें दिखा था हमारे मैक्स ग्रैंडपा की वैन, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जान मूझ के उनकी जो वैन की हालत खराब करी है। अब ये देख के तो मेरी हवा टाइट हो गई थी, क्योंकि मुझे पता लग गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मैं और शिनचैन बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके उस हॉन्टेड हाउस के अंदर गए थे, और जैसे उस घर के अंदर गए थे हम पे किसी ने हमला कर दिया था, जिसके वजह से भाई मैं और शिनचैन उसी टाइम बेहोश हो गए थे। तो गाइस भाई अब जाके मेरे को होश आया, और अभी मेरा बदन बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। लगता है भाई यहाँ पर ग्रैनी ने हमारी काफी ज्यादा अच्छी पिटाई करी है। फिलहाल तो भाई यहाँ पर सबके सब कोई ना कोई रास्ता देख रहे हैं यहाँ से निकलने का, क्योंकि अभी फिलहाल हम एक कमरे के अंदर बंद है। और यहाँ पर देख रहे हो भाई ग्रैंडपा मैक्स हर एक दीवार चेक कर रहे हैं, हर एक खिड़की चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ से बच के हम निकल सके। लेकिन भाई साहब यहाँ पर ग्रैनी ने देखो यार हर एक दरवाजे पे लॉक लगा के रखा हुआ है, और ये दरवाजे ना बहुत ज्यादा मजबूत है, इसको भाई आप ना ही लात मार के ना ही हाथ मार के तोड़ सकते हो। देख रहे हो भाई कितना ज्यादा यहाँ पर ये बुलेट प्रूफ इसने बना के रखा हुआ है अपने घर को। खैर भाई यहाँ से भी हम निकल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर इसने पता नहीं लकड़ी वकड़ी क्या क्या लगा के रखी हुई है, तो ऐसे तो हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे। ग्रैंडपा मैक्स क्या आपको यहाँ पर निकलने की कोई जगह दिखी? नहीं बेटा, मैं यहाँ पर काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं ये कमरे काफी ज्यादा मजबूत है। हालांकि दिखने में तो ये काफी ज्यादा कच्चे कमरे लगते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा मजबूत है। अरे हाँ बिल्कुल, ये घर तो काफी ज्यादा मजबूत है। एक काम क्यों नहीं करते बेन, तुम कोई छोटे से एलियन में बदल जाओ ताकि तुम यहाँ से निकल सको। हाँ आइडिया तो तेरा बढ़िया, मैं यहाँ पर जल्दी एक बहुत ही छोटे एलियन में बदल देता हूँ अपने आप को। ये है दोस्तों, मैं यहाँ पर ग्रे मैटर बन चुका हूँ। अरे तुम कहाँ पर हो, मुझे तो तुम दिख ही नहीं रहे। हाँ बेन, तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। एक मिनट, तुम इतने छोटे कैसे हो गए? ओहो ग्रैंडपा, ये वाला एलियन काफी ज्यादा छोटा है, इससे मैं छोटे छोटे जगह से कहीं भी निकल सकता हूँ। एक मिनट में आपको जरा निकल के दिखाता हूँ। हाँ तुम यहाँ से फटाफट से नीचे की तरफ जाओ, एक काम करो सारे कमरे चेक करो, क्या पता वहाँ पर हमें यहाँ से निकलने की कोई ना कोई जगह मिल जाए। हाँ ग्रैंडपा मैक्स, मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मेरे लिए कोई गर्मा गर्म खाना ले आओ, मुझे उस बुढ़िया ने खाना भी नहीं दिया। अरे चुप रहो, यहाँ पर हमें सबसे पहले निकलने के लिए प्लान सोचना होगा, उसके बाद हम तुम्हारे खाने की सोचेंगे। ओहो ऐसा मत करो, मुझे गर्मा गर्म खाना दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। और तुम्हें इस वक्त भी भूख कैसे लग सकती है शिनचैन? एक मिनट, ये कमरे में से तो काफी ज्यादा आग निकल रही है। ओह ये कमरा तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। लेकिन एक मिनट, सामने की तरफ तो कुछ बम वगैरह रखे हुए, मैं काम करता हूँ ये बम में से एक बम मैं अपने पास रख लेता हूँ, क्या पता आगे कभी हमारे काम आ जाए। हाँ बिल्कुल बेन, इनमें से एक बम तुम अपने पास रख लो, क्या पता आगे हमारे काम आए। ठीक है ग्रैंडपा, यहाँ पर मैंने एक बम को चक लिया है, अब देखते हैं इसको हम कैसे यूज करेंगे। फिलहाल तो भाई अभी मुझे कहीं भी ग्रैनी दिखी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पर है, क्या पता वो मेरे पीछे ना कर रही हो। अगर उसने मुझे पकड़ लिया ना तो यहाँ पर हमारा सारा का सारा प्लान खराब हो जाएगा। मुझे लगता है ग्रैनी नीचे की तरफ है, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ उसकी आवाज आ रही है। अरे बहन थोड़ा संभल के चलना, क्योंकि वो ग्रैनी काफी ज्यादा चलाक है, क्या पता वो तुम्हें पकड़ ले और उसके बाद वो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेगी, इसलिए बहन थोड़ा संभल के चलना। अरे ग्रैंडपा आप टेंशन मत लो, मैं अभी ग्रे मैटर बना हुआ हूँ, उसे तो मैं दिखूंगा नहीं क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा छोटा हूँ। एक मिनट, मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। अरे नहीं, यहाँ पर तो उसने गेट को लॉक लगा के रखा हुआ है, और यहाँ पर किसी तरह का हमें की कार्ड चाहिए होगा इस दरवाजे को खोलने के लिए। तो एक मिनट, मुझे सामने की तरफ से, ओह यहाँ पर तो ग्रैनी कुछ बना रही है।
अरे बाप रे बाप, मुझे लगता है यहाँ पर ये तेल गरम कर रही है। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हमें आज सलके खा जाएगी। अरे बाप रे बाप, बहन फटाफट से हमें यहाँ से निकालो, नहीं तो वो आज के आज हमें तल देगी। आज तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, उन चार लोग को तल के तो मजा ही आ जाएगा, खासकर वो छोटे वाला शिनचैन, वो तो काफी ज्यादा मीठा होगा। उसका खाने में तो सही में काफी ज्यादा मजा आ जाएगा, आज का दिन काफी ज्यादा बढ़िया जाने वाला है। हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। एक मिनट, सामने की तरफ मुझे चाबियों का गुच्छा दिख रहा है, लगता है उनमें से कोई चाबी हमारे ऊपर वाले कमरे की होगी, तो मुझे वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, उस चाबी को लेना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे इस ग्रैनी का ध्यान भटकाना होगा। एक आइडिया आया, वैसे भी मेरे पास यहाँ पर एक बम है ना, तो इस बम को हम लगाने वाले सामने वाले किसी कमरे में, ताकि जैसे वहाँ पर धमाका करे ग्रैनी उस कमरे में जाए, और उसके बाद हमें इतना टाइम तो मिल ही जाएगा कि यहाँ पर हम वो वाली चाबियों का गुच्छा लेके आ जाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हमें कोई ऐसा कमरा देखना है जहाँ पर हम बम को लगा सकते हैं। हाँ, ये वाला कमरा मुझे बढ़िया लग रहा है, वैसे यहाँ पर स्मेल तो काफी ज्यादा आ रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा अपना एटम बम, ताकि ये यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका करे। ठीक है, यहाँ पर मैं फटाफट से बम को लगा देता हूँ। ओह चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने बम को लगा दिया है, अभी कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा, लेकिन एक मिनट में देख लो हमारी के, ओह अभी भी ग्रैनी यहाँ पर खाना बना रही है। ठीक है, एक दो और ये तीन। ओह, ये धमाका कैसा था, पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे जाके देखना होगा। ओह दोस्तों, यहाँ पर वो जा चुकी है, अब हमारे पास एक काफी बढ़िया मौका है कि हम उस चाबी को आराम से ले ले। ओ बेन, क्या तुम ठीक हो? हाँ ग्रैंडपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो डर ही गया था, काफी जोर की आवाज आई थी, मुझे लगा था कि यहाँ पर तुम्हें कहीं कुछ हो ना गया हो। अरे ग्रैंडपा, आप टेंशन मत लो, और ऊपर से मुझे यहाँ पर चाबी भी मिल चुकी है, अब मैं आपको ऊपर वाले कमरे से निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब तो मेरे पास चाबी भी आ चुकी है ग्रैंडपा, अब हम यहाँ से बहुत जल्दी आजाद हो जाएंगे। ओह फैन, तुमने तो काफी बढ़िया काम करा, मुझे तो लगा था यहाँ से हम निकल ही नहीं पाएंगे, लेकिन तुमने तो कमाल का काम कर दिया। वैसे अगर वहाँ पर कुछ खाने के लिए बनाए तो मेरे लिए खाने के लिए ले आओ ना। अरे यार, ओह एक मिनट, मुझे यहाँ पर ग्रैनी दिख रही है, लेकिन वो वहाँ पर कर क्या रही है? बेन थोड़ा संभल के, वो काफी ज्यादा खतरनाक औरत है, तो उससे थोड़ा बच के रहना। ग्रैंडपा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर एकदम सावधानी से काम करूंगा। लेकिन वो कर क्या रही है, मुझे देखना पड़ेगा। ओह अच्छा, तो यहाँ पर ये बेन टेनिसन का काम है। लेकिन वो यहाँ से निकल कैसे पाएगा, क्योंकि कार्ड तो मेरे पास है। क्या कार्ड? ओह हाँ, हमें दरवाजा खोलने के लिए कार्ड की लोड पड़ेगी, तो वो कार्ड मेरे ख्याल से इसी के रूम में कहीं होगा। ओह मुझे जाके देखना होगा, लेकिन ऐसे तो वो मुझे देख लेगी, क्योंकि अब तो वो काफी ज्यादा चौकन्ना हो चुकी है, वो हर तरफ मुझे ढूंढ रही है, तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसे एलियन बदलना पड़ेगा जिसे वो बिल्कुल भी नहीं देख सकती। अरे हाँ, मुझे याद आया, मेरे पास एक ऐसा एलियन है जिसे कोई भी नहीं देख सकता। गाइस, यहाँ पर मैं बन चुका हूँ कास्ट फ्री, और अभी तो वो मुझे देख लेगी। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फटाफट से गायब हो जाता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ अब मैं पूरी तरीके से गायब हो चुका हूँ, अब वो क्या, उसका बाप भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। हे अगर वो यहाँ पर ग्रैनी है तो मैं भी यहाँ पर गोस्ट हूँ। हे ग्रैनी, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं दे सकती। एक मिनट, सामने की तरफ मुझे कार दिख गया। ओ ये तो काफी बढ़िया बात होगी, हमने तो काफी जल्दी इसका कार ढूंढ लिया। बच्चा किधर है? उसको यहाँ आसपास कहीं होना चाहिए। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो शैतान बच्चा मेरे आसपास ही घूम रहा है? कहाँ है? लगता दूसरे कमरे में होगा, वहां जाके ढूंढती हूँ। मरते मरते बचे। खैर फटाफट से हम यहाँ पर कार्ड को चक लेते हैं, नहीं तो वो दोबारा से मेरे पास आ जाएगी, और इस बारी क्या पता उसे भनक लग जाए कि मैं गाय। ओह उसको देखो, वो तो पागलों की तरह यावा घूम रही है, उसे लग तो रहा है कि मैं उसके आसपास हूँ, लेकिन मैं उसे दिख नहीं रहा हूँ। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं।
ओह कितना ज्यादा ढूंढेगी ग्रैनी, तुझे मैं कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। ओह ये रहा देखो लोग, यहाँ पर हमने कार्ड को स्कैन करना है। अरे वाह, यहाँ पर तो हमारा गेट खुल चुका है, तो बाहर जाके देखते कि यहाँ से हम कैसे निकल पाएंगे। ओह राइट गाइस, यहाँ पर तो हम बाहर की तरफ आ चुके हैं और ग्रैनी को पता भी नहीं लगा। एक काम करते, सामने ही जो हमारी वैन है इसमें बैठ के हम यहाँ से निकल जाएंगे। अरे नहीं, यहाँ पर ग्रैनी ने तो उसको बिल्कुल ही खराब कर दिया है। धत तेरे की, अब हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे। लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर ग्रैनी को मार सकते हैं, उससे अपना बदला ले सकते हैं, क्योंकि उसने भी हमें बहुत ज्यादा परेशान किया है दोस्तों। तब उसको परेशान करने की बारी आ चुकी है। Alright guys, यहाँ पर मैं बन चुका हूँ स्टॉर्म फायर और मेरे अंदर काफी ज्यादा गर्मी है फिलहाल। तो भाई अभी हमें सबसे पहले अपने फैमिली वालों को बचाना होगा। एक मिनट, लंबी जंप मार जाए। अरे भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही लंबी हमने जंप मार ली। एक मिनट ठीक है, ओ सामने ग्रैंडपा अभी भी ट्राई कर रहे हैं यहाँ से निकलने का, लेकिन अब उन्हें नहीं पता कि हम यहाँ से बहुत जल्दी निकल सकते हैं। एक मिनट, सबसे पहले मैं इन दरवाजों को तोड़ू क्योंकि ये बहुत ज्यादा मजबूत है। अरे यार ये टूट क्यों नहीं रहे, टूट जाओ, अरे टूट जाओ, अरे अब टूट जाओ। भाई साहब ये तो टूटने का नाम ही नहीं ले रहे, लगता है बहुत जोर के लात मारनी पड़ेगी तब जाके ये टूटेगा। ओ अब जाके ये टूटने लगा ना, ये ले, अब जाके ये दरवाजा टूटा। कितना ज्यादा मजबूत दरवाजा था। ग्रैंडपा अब हम यहाँ से निकल सकते। हाँ बैन, यहाँ से हम निकल तो सकते, लेकिन सबसे पहले तुम्हें उसे मजा चखाना होगा, क्योंकि उसके वजह से हम यहाँ पर कैद है और हमने कितनी ज्यादा परेशानी उठाई, तो उसे भी थोड़ा सबक सिखा के आओ बैन। ठीक है ग्रैंडपा, अगर आपने कहा तो मैं उसको सबक सिखा के आता हूँ। लेकिन एक मिनट, ग्रैनी तो मुझे कहीं दिख नहीं रही, शायद वो नीचे की तरफ हो ग्रैंडपा, क्योंकि अभी तो मुझे यहाँ वो कहीं भी नहीं दिख रही। एक मिनट, वो मेरे को लगता है नीचे के साइड कहीं छुपी होगी। ग्रैनी कहाँ हो तुम, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ ग्रैनी। लगता है वो मेरे से डर चुकी है ग्रैंडपा। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वो मुझे कहीं दिख नहीं रही। बेन थोड़ा संभल के, मुझे लगता है वो तुम्हारे आसपास कहीं होगी। अरे ग्रैंडपा आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो तो मेरे से डर के कहीं भाग गई ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पूरे घर को देख लिया है। लो ये क्या, अरे वो तो पीछे है मेरे, ये ले। तुझे क्या लगा तू मुझे पीछे से मारेगी तो मैं मर जाऊंगा। अरे ग्रैंडपा वो तो मेरे एक ही मुक्के पे बेहोश होगी। आजा आजा, तुझे दोबारा मजा चखाता हूँ, ये ले। कैसे लगा ग्रैनी, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगा, क्योंकि तेरा काम यही है ना सबको परेशान करना, लेकिन मैं आज तुझे नहीं छोड़ने वाला। हाँ ट्राई कर ले जितना मार सकती है मुझे, लेकिन तेरे छोटे मोटे वार से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। इसको लगता है छोटे मोटे मुझे मारेगी और मैं यहाँ पर मर जाऊंगा। लेकिन एक काम करता हूँ, तुझे मैं अपने साथ बाहर ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लड़ेंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा और ये घर के अंदर मेरी फैमिली और फैमिली को चोट लग सकती है। इसलिए तू मेरे साथ पीछे पीछे आ जा, ताकि मैं तुझे थोड़ा सबक सिखा सकूं। आ जा ग्रैनी। कहाँ बच के जा रहा है, डर गया तू मुझसे? हाँ डर गया मैं, ये ले। अब पता लगा मैं तुझसे कभी भी नहीं डरता हूँ। लो भाई साहब इसकी तो बत्ती यहीं गुल होगी, मुझे लगा था लड़ाई थोड़ी ओह ये दोबारा से उठ गई, ये ले। अब कैसा लगा भाई साहब, ये तो हवा में उड़, ओह ये दोबारा उठ गई। एक मिनट, ये ग्रैनी बार बार कैसे उठ रही है, लगता है इसने अलग ही चक्की का आटा खा के रखा हुआ। ये ले, अब मत उठना, अगर तू अब भी उठी तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले, अब तो बिल्कुल भी नहीं उठेगी मुझे लगता है ये। हाँ बहुत ज्यादा मार दिया इसको मैंने, इतना नहीं मारना चाहिए था ग्रैनी को। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर ये काफी टाइम तक पड़ी रहेगी। चलो भाई यहाँ, ओह ये दोबारा उठ रही थी। भाई साहब ये बार बार क्यों उठी जा रही है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाती है, इसे कुछ हो ही नहीं रहा। खैर अब चलो, ओ नहीं ये दोबारा उठ गई, मुझे इसको ढंग से मारना पड़ेगा, ये मर क्यों नहीं रही है। एक मिनट, कौन सी चक्की का आटा खा के रखा है इसने, ये मर ही नहीं रही, मुझे इसे लगातार मारना होगा तब जाके मरेगी ये। अब मत उठना, अगर अब क्यों उठी तो तुझे जला के राख कर दूंगा।
गाइस उसको मैंने कितना मारा, इतना मारा कि अब उसकी सारी की सारी ताकत खत्म। ओ एक मिनट, ये फिर से कैसे जिंदा होगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बार बार कैसे खड़ी हो जाती है। एक मिनट, मुझे इसको दूसरे तरीके से मारना होगा। पहले चम करके यहाँ पर चम मारते हैं, ठीक है। अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाना होगा क्योंकि इसको मैं कितने टाइम से मार रहा हूँ लेकिन इसे कुछ हो नहीं रहा। मुझे कुछ भी नहीं होगा बेन टेनिसन। अच्छा तो ये ले, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मेरे पास और कौन कौन सी पावर है। तुझे मैं इतनी दूर फेंकूंगा कि तेरी सारी की सारी हड्डियां टूट जाएगी। तो गाइस उसको तो हमने काफी दूर फेंक दिया है, एक मिनट उसके पास जाके देखते हैं कि ये होश में है कि नहीं। अब मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी होश में नहीं है। एक काम करते हैं, कंफर्म करने के लिए इसे जला के राख कर देते। दोस्तों मुझे लगता है अब यहाँ पर जल के राख हो चुकी है। वैसे मैं इसे पहले भी काफी बारी जला चुका हूँ लेकिन पता नहीं है फिर से कैसे जिंदा हो जाती है। लेकिन अब तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं उठने वाली है। तो फटाफट से अब हम यहाँ पर बैन में चेंज हो जाते हैं और अपनी फैमिली को यहाँ से लेके भागते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हम फिर से बेन टेनिसन में चेंज हो चुके और हमें फटाफट से भाई यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले ग्रैनी को दोबारा से होश आ जाए। क्योंकि भाई यहाँ पर ग्रैनी ना बिल्कुल भी नहीं मरती है, उसे जितना वारी मारो वो फिर से उठ के खड़ी हो जाती है। तो फिलहाल भाई अभी हम फटाफट चलते अपने फैमिली के पास और उनको भाई यहाँ से निकालते हैं क्योंकि ये जगह काफ़ी हॉन्टेड जगह है। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं ट्रक लेके आ चुका हूँ और हमारी जो फैमिली है वो भी इस हॉन्टेड प्लेस से निकल चुकी है। तो फटाफट से हमारे ग्रैंडपा मैक्सो बैठ ही चुके और हमारा शिनचैन भी जंप मार के बैठ गया है। मुझे लगा नहीं था शिनचैन इतनी जल्दी बैठ जाएगा। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर हमारे तीनों लोग बैठ चुके और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब ग्रैनी तो अभी भी जल रही है, मुझे नहीं पता भाई यहाँ पर वो जिंदा भी होगी कि मर चुकी होगी। मुझे तो लगता है वो मर चुकी होगी क्योंकि तुमने उसे बहुत ज्यादा मारा। और हाँ, उसके साथ ऐसा होना भी चाहिए था, उसने तो मुझे खाना भी नहीं दिया। अरे यार, एक तो तेरे को खाने की पड़ी रहती है हर वक्त, हम यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत से बच के आ गए लेकिन तेरे को अभी भी खाने की पड़ी हुई है। चल भाई, तेरे को इतनी भूख लग रही है ना, मेरे घर चलियो, मैं तेरे को वहाँ पर बोल क्या खाएगा वही खिलाऊंगा। ओह, मुझे गर्मा गर्म समोसे खिला देना। वैसे भी तो यहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही है, अगर इस बारिश में गर्मा गर्म चाय और समोसे मिल जाए तो मजा आ जाएगा बहन। ठीक है, फिलहाल तो भाई मेरे ख्याल से हमको भाई यहाँ पर गाड़ी को रोकना चाहिए क्योंकि अब हमारे दोस्तों को बाय बोलने का टाइम आ चुका है। वीडियो काफी ज्यादा लंबी बढ़ चुकी है और मुझे अभी चाहिए आराम। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।